अरे मेरा टिकट है, मेरा टिकट है, अरे मेरा टिकट है, दिखाइए टिकट, दिखाइए। काट मिले माँ की दुआएं तेरे काम आए। मम्मी जी, पापा जी, जी जी जी, अरे बम जी, जान भी दे बम जी। देख लीजिए, बहुत सारे लोग बाहर नहीं लटके हुए हैं। पागल है, कट खुली खांदा हूँ। जाओ कंप्लेंट कर दो पुलिस। इतना डेंजर जगह है ये, आप समझ लीजिए। सावन का महीना, पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। जय हो महाराज। तो स्वागत है आपका एक और नए रेल सफर में, और स्वागत कर रहा हूँ आपका अपने भाईचारों के शहर आसनसोल से। आज एक छोटी सी ट्रेन जर्नी करेंगे हावड़ा और नई दिल्ली के बीच चलने वाली पूर्वा एक्सप्रेस में। पूर्वा एक्सप्रेस आप सबको पता ही है, 4 दिन जाती है पटना होके और 3 दिन गया होके। चलिए शुरू करते हैं सफर को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा महाराज। चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल मैं आ चुका हूँ आसनसोल के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जिसपे हमारी पूर्वा एक्सप्रेस आएगी। और ये स्टेशन देखिए आप, स्टेशन देखिए कितना खूबसूरत है, पूरा प्लेटफॉर्म साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। हमारी पूर्वा एक्सप्रेस का यहाँ आने का टाइम है 10:32 का। 8 बजे ये ट्रेन हावड़ा से चलती है और कल 6 बजे तक पहुँच जाएगी नई दिल्ली। काफी अच्छी गाड़ी है, हम बहुत बार इसमें सफर कर चुके हैं। अपने भाई चारों के शहर सिटी ऑफ ब्रदरहुड में देखिए बहुत सारे अपने ब्रदर मिले हैं। नाम क्या हुआ आप लोगों का? अमन भाई है और आपका? रोहन साहब। दोनों भाई साहब जा रहे हैं ITI करने के लिए धनबाद। क्या नाम है कॉलेज का? KKITI। बेकार बांध। जय हो बेकार बांध। ये हमारी पूर्वा एक्सप्रेस 7 लोगों के साथ, यही है भैया पूर्वा एक्सप्रेस, हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस। जर्नी 3rd AC में करेंगे। मेरा B1 कोच में 46 यानी अपर बर्थ मिला है। ये वाला कोच है मेरा B1 और 46 यही होगा। ये इस पूर्वा एक्सप्रेस का 3rd AC का इंटीरियर देख लीजिए। साफ सफाई कुछ ज्यादा खास नहीं है, कम से कम पैसेंजर को चाय का कप यहाँ से यहाँ फेंकना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ भी है यूज मी, यूज करना चाहिए। हमारी गलती सफाई कर्मचारी की नहीं होती है, कुछ गलतियाँ पैसेंजर के भी होती है। चलिए हमारी पूर्वा एक्सप्रेस निकल चुकी है भाईचारों के शहर सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल से। ये गाड़ी हमारी ऑन टाइम चली है 10:35 में, और ये पटना वाली पूर्वा हफ्ते में 4 दिन पटना होकर जाती है, सोम मंगल शुक्रवार और शनिवार को। बाकी के दिन ये ट्रेन जाती है गया होकर दिल्ली। बाकी पूर्वा एक्सप्रेस का मेरा पैसा वसूल हो गया। यहाँ देखिए अपने राजू बाबरा जी हमें मिले हैं। आप जा कहाँ रहे अंकल जी? सबसे पहली बात तो आपसे मिलकर मतलब हम धन्य हो गए। मैं अभी कोलकाता गया था बिनानी भवन कार्यक्रम करने के लिए बाबा भोलेनाथ का। तो दो लाइन अगर गा के सुनाते तो काफी अच्छा लगता है। हाँ, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। एक स्टैंडर्ड मील होता है, इसका रेट 80 रुपए है। वो वाला खाना आप लेकर आइए ना। बोलिए, मेरा दीजिए वही वाला खाना। तीन हमारा भैया। तो भैया पहुंच गए चितरंजन, जहां बनता है रेल का इंजन, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जहां बनाया जाता है। और स्वागत है आपका झारखंड स्टेट में। यहाँ से हम झारखंड स्टेट में इंटर कर गए, इससे पहले हमसे पश्चिम बंगाल में। बाकी कुछ ऐसा दिखता है चितरंजन रेलवे स्टेशन। यहाँ देख लीजिए बहुत सारे लोग यहाँ उतरे हैं जो कि डेली पैसेंजर हैं। और रेलवे के हिसाब से फिलहाल हम है ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीजन में। झाझा से पहले तक इसी आसनसोल डिवीजन में रहेंगे। झाझा से शुरू हो जाएगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे का दानापुर डिवीजन। हमारी पूर्वा एक्सप्रेस निकल चुकी है चितरंजन से। अच्छा बात करूँ इस गाड़ी के किराए की, तो यदि आप इससे हावड़ा से नई दिल्ली जाइएगा इस स्लीपर कोच में तो आपको देने होंगे 665 रुपये। वहीं 3rd AC का पड़ जाएगा 1735, 2nd AC का 2500 रुपये, और फर्स्ट क्लास का किराया है 4230 रुपये। जनरल कोच का किराया है 385 रुपये। अलग से पेंट्री कार भी है, खाना पीना हम लोगों ने मंगाया है 80 रुपये वाला वेज स्टैंडर्ड। देखते हैं कैसा है। कुछ ऐसा दिखता है ये पूर्वा एक्सप्रेस का स्लीपर कोच का इंटीरियर देख लीजिए। स्लीपर कोच की साफ सफाई काफ़ी अच्छा है। अपने रन ऑन ट्रैक के फैमिली मेंबर मिले हैं भैया। नाम क्या भैया आपका? रोहित सिंह। रोहित भाई हैं भैया, इसमें पेंटिंग का काम करते हैं। पूर्वा एक्सप्रेस का एक और स्टॉपेज बढ़ा दिया गया है। अब ये ट्रेन जाम तारा में भी रुकेगी ना भैया महाराज? ये अच्छा या खराब है? अच्छा है। अच्छा है ना। हाँ, लोगों को फैसिलिटी मिलेगा। अब जाम तारा वासियों को भी एक और ट्रेन मिल चुका है दिल्ली जाने के लिए। मिल के अच्छा लगा। आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक भाई। नाइस टू मीट यू अभिषेक भाई। अभी अभी हमारी पूर्वा एक्सप्रेस पार की है पत्रो नदी, और आप पार करेंगे जयंती नदी। इन दो नदियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन दो नदियों का पानी जो है वो पेट और पाचन संबंधित बीमारियों को दूर करता है। तो कभी भी इस नदी से गुजरिएगा तो पानी जरूर पीजिएगा, आपका पेट सही रहेगा। चाची महारानी। फिलहाल सुबह के 12 बजने वाले हैं और हमारी पूर्वा एक्सप्रेस पहुँच चुकी है मधुपुर। और यहाँ देखिए अपने एक भाई मिले। नाम क्या हुआ आपका? बाकी मधुपुर भी एक जंक्शन पॉइंट है, आपको पता ही है, हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, यानी जिस रूट से हमारी ट्रेन जा रही है इसे बोला जाता है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन जाती है गिरिडीह के रास्ते कोडरमा की ओर, और मधुपुर जाना जाता है अपने मिठाई के उत्पादन के लिए।
यहाँ का मिठाई काफी फेमस है, कभी यहाँ आइएगा तो यहाँ का मिठाई जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी गाड़ी का 2 मिनट का स्टॉप है और ये गाड़ी भी आई है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। बोलबम 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 के मधुपुर के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अपने बम जी जो है वो यात्रा कम्प्लीट कर चुके हैं ना बम जी। चलिए हमारी हमारी ट्रेन भी चल चुकी है। बोलबम चलिए मधुपुर जंक्शन से भी हमारी ये पूर्वा एक्सप्रेस निकल चुकी है और उस तरफ लगी हुई है मधुपुर से गिरिडीह जाने वाली लोकल ट्रेन मधुपुर गिरिडीह पैसेंजर। और ये मधुपुर भी आता है झारखंड के देवघर जिले में। जय मामा। अंधकार घन घोर है छाया, शिव ने अपना डमरू बजाया, शिव ने अपना डमरू बजाया, तेरे आदि शक्ति संग राजे भूतों के राजा। जी अंकल जी धन्यवाद इतना अच्छा संगीत गाने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आजकल के लड़के पत्नियों के जाल में रहने लगे हैं, अपने घर को ठुकरा के ससुराल में रहने लगे हैं। लेकिन सच बात है, ये सच बात है। अपने माँ बाप से कह रहे हैं टोकरा टोकरी, सास ससुर से कह रहे हैं मम्मी जी पापा जी 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 जी। अपने ये राजू बावरा जी जो हैं ये बड़े कमाल के इंसान हैं, बहुत ही फनी, मतलब जितने भी सीट पे लोग बैठे हुए हैं ना सबको अच्छी तरह से इंटरटेन कर रहे हैं अपनी अपनी भाषा से अपने संगीत से। फिलहाल गाड़ी हमारी पहुंचने वाली है जसीडीह जंक्शन बाबा नगरी। शिव भक्तों की भीड़ देख लीजिए भाई साहब, लगता है पूरा भीड़ जो है वो पूर्वा एक्सप्रेस में समा जाएगी। बाप रे बाप। समय देख लीजिए 12:27 हो चुके हैं। बाप रे बाप। एसी कोच भी यहाँ लगता है पूरा फुल हो जाएगा, यहाँ कोई एसी कोच, कोई फर्स्ट एसी सेकंड एसी नहीं। बाप रे बाप, प्रशासन ही पूरा टाइट है। आइए बम जी, पूरा प्लेटफॉर्म में देख लीजिए प्रशासन लगा हुआ है। पहुंच गए भैया जसीडीह जंक्शन। अरे बम जी महाराज जी देख लीजिए, एसी कोच हो या कोई भी कोच हो, यहाँ चढ़ने वालों की भीड़ देख लीजिए आप, पुलिस वाले भी यहाँ। भैया महाराज कोई फर्स्ट एसी सेकंड एसी या थर्ड एसी नहीं, क्योंकि यहाँ भीड़ ही कुछ इतनी है कि इसे कंट्रोल करना मतलब ना के बराबर है, इसलिए जितने भी अपने श्रद्धालु हैं वो इस गाड़ी के हर एक कोच में चढ़ जा रहे हैं। पुलिस वाले जो हैं वो मना कर रहे हैं कि ये एसी कोच में मत चढ़िए, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। अरे मेरा टिकट है, मेरा टिकट है, अरे मेरा टिकट है, दिखाइए टिकट, दिखाइए। यहाँ देखिए अपने रमन ट्रैक फैमिली के मेंबर मिले हैं जो कि बम जी हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? बेगूसराय से। अरे ठेल कह रहे हो भैया, अपने कंफर्ट के चक्कर में आप दूसरे को ठेल कह रहे हैं। कितने दिन कम्प्लीट किए हैं? 2 दिन। 9 दिन? 2 दिन। 2 दिन। देखिए ये होती है शिव भक्ति की शक्ति, 2 दिन में 110 किलोमीटर कम्प्लीट, वो भी पैदल। सुल्तानगंज पैदल। बोलिए महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कब तक अपलोड करिएगा? ये कल ही हो जाएगा। बोलबम भाई जी हैं और ये डाक बम जी हैं। डाक बम तो समझ लीजिए 24 घंटे में 110 किलोमीटर। अरे लगा दिया, चलते हैं इधर से। ओ बम जी जाने दीजिए महाराज जी, तो जाने दीजिए भैया। बताइए जिसका सीट है इस गाड़ी में वो प्लेटफॉर्म पे बाहर हैं और जिसका सीट नहीं है वो आराम से अंदर जाकर गेट को अंदर से लॉक कर लीजिए। नाम क्या है आपका? इनोसेन आजाद। हाँ देखिए 2 भाई और मिले हैं, जा रहे हैं आप लोग इसी से? नहीं, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आप लोग नाम बोलिए ना। मेरा नाम अमित और आपका? इनोसेन। अरे देखिए दोनों भाई मिले हैं, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। ये हो भैया महाराज। अरे भाई चलो भाई अंदर, जगह चलो अंदर। सीट वाला भैया थोड़ा जाने दीजिए अंदर भैया। अरे सीट वाला को अंदर जाने दो। अरे चलो ना यार। अरे यार कहाँ जाए यार, जगह है, बोल तो रहे हम मुँह से। भैया थोड़ा जान दीजिए अंदर भैया। अरे हम लोग थोड़ा हमने जान दीजिए महाराज जी। अरे भैया जान दीजिए अंदर। अरे जिसका सीट है तो जान दीजिए अंदर बम जी। अरे जान दीजिए भैया हो महाराज। अरे बम जी मेरा भी सीट है, बम जी, बम जी मेरा खाना भी आएगा, बम जी थोड़ा जान दीजिए अंदर। चलिए बम जी और कुछ नहीं करेगा। वाह, उसे दो के बाद ये हाल हो जाता है पूर्वा एक्सप्रेस का। अरे बम जी जान दीजिए, बम जी
हाँ निकालने दीजिए, निकालने दीजिए, अरे भैया हाँ रख रहे हैं, कोई शौक नहीं, हमें भी जाना है अंदर। चलिए बम जी, चलिए बम जी, अरे जाने दीजिए अंदर, ओ भैया जाने दीजिए अंदर, तो रुक रहा जाइए, किसको शौक है आपको रुकने का बताइए, हमें खुद जगह नहीं मिला जाने का, मिले हैं और सीट अपनी, हाँ तो हमारा भी सीट है भैया, हम भी फोकर में नहीं जा रहे हैं, चल फिर हम कोई तेरे को मना कर रहे हैं, ठीक है, हमने लॉक क्यों किया गेट को, ठीक है भाई जाने, आपको गेट लॉक निकालना चाहिए, जब तक ट्रेन भैया प्लेटफॉर्म पे हो ना तब तक गेट लॉक मत किया कीजिए। झांसी के बाद ये केवल पूर्वा एक्सप्रेस का नहीं बल्कि हर एक ट्रेन का यही हाल हो जाता है, चाहे कोई भी कोच हो, स्लीपर हो, जनरल हो या एसी का, तो देख ही लीजिए आप, आपको हाल दिखाई। फिलहाल हमारा खाना भी आ चुका है, ये स्टैंडर्ड मील है 80 रुपये का, इस खाने में एक सम पापड़ भी दिया गया है, बाकी चावल है, दाल है, सब्जी है और ये रोटी है जिसमें 3 रोटी दिया गया है। खाते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा अब झाझा में। तो पूर्वा एक्सप्रेस के रसोई आना खाना काफ़ी अच्छा हो चुका है, हम सभी ने, हमारे सीट के आसपास जितने भी पैसेंजर हैं सभी ने 80 रुपये का खाना खाया है और काफ़ी अच्छा खाना है, दाल चावल सब्जी 3 रोटी, खाना काफ़ी अच्छा है, एकदम A1 खाना है। अगर आप घर से खाना लेकर नहीं आते हैं तो ट्रेन का खाना खाने लायक है। यहाँ भी बम जी कभी रहे हो, यहाँ भी बम जी कभी झाझा। फिलहाल टाइम हो रहा है 1:00 बज चुके हैं और हमारी हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस वाया पटना पहुंच चुकी है झाझा रेलवे स्टेशन। स्वागत है आपका बिहार में, वेलकम टू बिहार। और रेलवे के हिसाब से हम आ चुके हैं पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर डिवीजन। झाझा से ही हमारी ये पूर्वा एक्सप्रेस चलेगी 1:17 पर। और यहाँ देखिए झाझा में अब पानी भी आ रहा है, पहले पानी भी नहीं आता था। हम के लिए सब फ्री है ना? नहीं वो बात नहीं है, मेरा इसमें टिकट है, फिर भी टीडी साहब ने मुझे कहा आपके पास टिकट है। देवघर में भी आरपीएफ ने रोका तो वो तो चलिए थोड़ा सा भीड़ भाड़ में लोग नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कपड़ों का देखकर ही लोग जज करते हैं आपको, ये कहाँ से सही है महाराज जी, बोलिए तो आप। गलत है, एकदम है ना, गलत है, कपड़े से कभी जज नहीं करना चाहिए। मैंने हम ये बोल बम का कपड़ा में चढ़ गए ना तो लोग बोला कि विदाउट टिकट है, ज्ञान की बातें लोग कितना ही बोल ले, जज आखिर कपड़े देख कर ही किया जाता है, बात सही है ना, बात सही है। चलिए हो बम जी, आ गया क्यूल जंक्शन, जय हो भोले बाबा। तो भैया महाराज पहुंच गए क्यूल जंक्शन, क्यूल जंक्शन जहां से हम इस पूर्वा स्पेस को छोड़ देंगे और पकड़ेंगे सुल्तानगंज वाली ट्रेन। बिल्कुल, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर पार्वती पते हर हर। उतरिए बम जी, आराम से आराम से आराम से, आहिस्ता आहिस्ता बम जी, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये थी हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस वाया पटना की एक छोटी सी ट्रेन जर्नी आसनसोल से क्यूल तक। अब ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अब यहाँ से जाएंगे सुल्तानगंज, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। फिलहाल बहुत सारे लोग हैं चढ़ने के लिए, यहाँ भी चढ़िया खानदानी गाड़ी है पूर्वा एक्सप्रेस, जय हो पूर्वा एक्सप्रेस। लीजिए ये है जनरल कोच, जनरल कोच का हाल तो एकदम बस से बदतर है भैया, लोग सही चढ़ भी नहीं पा रहे हैं, देख लीजिए बहुत सारे लोग बाहर नहीं लटके हुए हैं। ये गाड़ी मतलब सालों भर पैक जाती है, बाय बाय हो पूर्वा। भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस भी 2 नंबर पे आ चुकी है क्यूल जंक्शन के, बाकी हमारी सुल्तानगंज वाली ट्रेन भी लगी हुई है क्यूल के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे, चलते हैं वो गाड़ी जाएगी सुल्तानगंज, पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन लगी हुई है सुल्तानगंज वाली 8 नंबर पे, यानी क्यूल अब 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन बन चुका है भैया, यही गाड़ी से हम जाएंगे क्यूल से सुल्तानगंज, चलते हैं अंदर। अरे कहाँ छे वो लड़का, जाओ कंप्लेन कर दो पुलिस में, छेड़खानी के आरोप लगा दो, पूछा चप्पल मारने उसका गलती नहीं था, यहाँ से काहे भाग गया हूँ, हमारी पैसेंजर ट्रेन निकल चुकी है क्यूल जंक्शन से, क्यूल जंक्शन को बोल देते हैं बाय बाय। बाकी इस ट्रेन के अंदर थोड़ा सा छेड़खानी हुआ है, किसी महिला के साथ छेड़खानी हुआ होगा इसलिए वो लेडी पूरा एकदम गुस्से में सबको गाली दे रही है। सीधे ये लाइन चली गई झाझा की ओर और ये लाइन चली गई सीधे
भागलपुर की ओर। बाकी यहाँ इस लोकल ट्रेन का हाल देख लीजिए, बताइए अगर गलती से किसी का पैर इसके अंदर चला गया ना, वो सीधा बाबा के पास पहुँच जाएगा। इतना डेंजर जगह है ये आप समझ लीजिए, बस गलती से किसी का पैर इसके अंदर ना जाए। दुआ करते हैं किसी का पैर इसके अंदर ना जाए। ये दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैंने इस पैसेंजर ट्रेन को अभयपुर में ही छोड़ दिया है। हालांकि ये ट्रेन भी सुल्तानगंज तक जाती है, यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। बाय बाय ओ भैया पैसेंजर ट्रेन। चलिए रात के 8 बज चुके हैं और वापस से हम आ चुके हैं अभयपुर स्टेशन और अब यहाँ से दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की जर्नी होगी। जो जी हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस भी आ चुकी है अभयपुर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, यही है दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। बोलबम बोलबम। ये ट्रेन फिलहाल पूरा खाली है क्योंकि मलमास चढ़ चुका है। दोनों भाई के साथ जा रहे हैं हम लोग सुल्तानगंज, इसलिए हम उस लोकल ट्रेन को अभयपुर में छोड़ के इस इंटरसिटी एक्सप्रेस को पकड़े ताकि साथ में सफर कर सके। बोलिए बोलबम बोलबम बोलबम। समय है रात के 9:45 बज चुके हैं और गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है जमालपुर जंक्शन। जमालपुर जंक्शन जहां से आप मुंगेर के रास्ते खगड़िया और बेगूसराय जा सकते हैं। और साढ़े 9 बज चुके हैं और फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुल्तानगंज। और प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, प्लेटफॉर्म पे कुछ खास भीड़ नहीं है। बाकी चलते हैं यहाँ से सुल्तानगंज घाट और वहाँ जाकर आपको दर्शन कराते हैं अजगैवी नाथ दावा जी का। चलते हैं घाट पे। बोलबम 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 बोलबम। तो टाइम देख लीजिए, रात के 10:34 हो चुके हैं और फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं सुल्तानगंज का गंगा घाट। देख लीजिए बोलबम बोलबम बोलबम। कल सुबह जाकर बाबा अजगैवीनाथ जी का दर्शन कर लेंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं करते समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे सुल्तानगंज से देवघर की कांवर यात्रा में।